हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 15 ऑन योर करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज सी करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज शुड बी द फोकस राइट नाउ एंड दैट इज़ व्हाई आई एम ट्राइंग की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं क्योंकि जब मैं करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूं तो उस टाइम पर मैं आपकी सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं ठीक है थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री वगैरह का कुछ न्यूज़ में है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में है तो वो भी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इशू आपके वाइडर एस्पेक्ट्स को टच करता है इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं पॉलिटी के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं तो एक तरह से क्योंकि जो आपके स्टैटिक क्वेश्चनस भी डिराइव होते हैं मैंने बार बार बोला है फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी है या हिस्ट्री है इनके या पॉलिटी है इनके जो क्वेश्चन हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द करंट एस्पेक्ट्स ऑल राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल डेली के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लेके आया जिसमें एल जी को पावर दे दिया गया अभी ये महीने डेढ़ महीने पुरानी बात है ठीक है तो इससे क्या होता है मेरे पास जो डेली से रिलेटेड प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्या एक्ट है क्या प्रोविजन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है तो वो सारा आ तो स्टैटिक की डेफिनेशन में गया लेकिन डिराइव कहाँ से हुआ है आपके करंट अफेयर्स से ठीक है तो इसीलिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं दिस इज योर लेक्चर नंबर फिफ्टीन ईपीएफओ के लिए तो हाईली इंपॉर्टेंट है बाकी अगर आप सीएससी सीडीएस एनडीए सीएपीएफ या स्टेट सर्विसेज जैसे हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन आल्सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट ओके एमसीक्यू कोर्स जो आपका है नॉन वीडियो कोर्स उसको आप परचेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो डब्ल्यू और ये जो वीडियोज हैं इनके पीडीएफ के लिए भी आप वीडियो पीडीएफ डी परचेज कर सकते हो इट इज़ जस्ट फॉर रुपीज़ उसमें आपको सारी जितनी यूट्यूब पर हमारी वीडियोज हैं

तो सबसे पहला सवाल फैक्चुअल सा सवाल है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में हर घर पानी हर घर सफ़ाई मिशन जो है वो लॉन्च किया था बेसिकली इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या टारगेट कर रही है कि 100 परसेंट पोर्टेबल वाटर जो है वो रूरल हाउस को सप्लाई किया जाए तो स्टेट के ऊपर स्टेट्स आजकल आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपनी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि वो स्टेट कौन सी है जिसने कौन सी स्कीम लॉन्च की है पर्टिकुलर स्कीम ये पहले भी यू के आप दो तीन साल के पेपर उठा के देखते हो डिफरेंट एग्जाम्स तो वो पूछ लेते हैं कि ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है तो ऑप्शंस आपके पास ये हैं है, राजस्थान हरियाणा गुजरात एंड पंजाब फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड या तो पता है या नहीं पता वाला सिनेरियो इसके अंदर बनता है तो हर घर पानी हर घर सफाई ये स्कीम लॉन्च की आपकी स्टेट ऑफ पंजाब ने आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हंड्रेड परसेंट पोर्टेबल वाटर सप्लाई रूरल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की जा रही है ठीक है जी सो फर्स्ट फेबररी 2021 में जो पंजाब के आपके चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी 100 परसेंट पोर्टेबल वाटर सप्लाई दिया जाएगा रूरल हाउस होल्ड्स को और टारगेट जो है वो क्या सेट किया गया मार्च 2022 का टारगेट सेट किया गया टारगेट अगर स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चन बनाता है तो वो दो तीन प्रोविज़न ये रख सकता है कि ये स्कीम पहले पहली, पहली स्टेटमेंट में दे देगा कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ठीक है दूसरी में दे देगा टारगेट क्या है तो टारगेट है हंड्रेड टारगेट क्या है कि भैया 100 परसेंट पानी सप्लाई करना है रूरल हाउस को मार्च 2022 तक इसको फंड कौन कर रहा है एक तो आपका वर्ल्ड बैंक आ गया इसके अंदर एक इसके अंदर जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है नबार्ड आ जाएगा और पंजाब स्टेट का बजट से आएगा तो चार जगह से पैसा आएगा कहाँ कहाँ से वर्ल्ड बैंक से आएगा जल जीवन मिशन से आएगा नबार्ड से आएगा और स्टेट बजट से आएगा ये भी हाईली इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं और इस स्कीम के लिए वन करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए गए हैं ठीक है थीके? राइट सीएम लॉन्च न्यू लार्ज मल्टी विलेज सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम बेसिकली इसमें यूरेनियम पोल्यूशन को भी टैकल करने की बात यहां पर की गई है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट वन पॉइंट ओ सो उस कॉमर्शियल रॉकेट का नाम क्या था स्टारडस्ट वन पॉइंट ओ और खास बात क्या थी कि ये दुनिया का पहला बायोफ्यूल से पावर जो सप्लाई होती है रॉकेट को टेक ऑफ करने के लिए और वो सब चीज़ों के लिए तो ये आ, किसने डिज़ाइन किया है ऑप्शन ए एक्सोडर स्पेस कॉरपोरेशन ऑप्शन बी ब्लूशिफ्ट एरो स्पेस ऑप्शन सी स्पेस एक्स एंड ऑप्शन डी इज जैक्सा जैक्सा इज बेसिकली और Japan Aerospace. All right, राइट बेसिकली इट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ जपैन ऑल राइट सो फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट स्टार डस्ट वन तो देखो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि स्टार डस्ट वन है क्या अभी अपने से ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है पर अपने को ऐसा भी पूछ सकता था कि ये स्टार डस्ट वन क्या है क्या स्पेशलिटी है तो क्या है ये बायोफ्यूल पहली बार कोई जो रॉकेट है बायोफ्यूल पावर्ड है कॉमर्शियल है और ठीक है सो so, जैक्सा तो नहीं होगा क्योंकि जैक्सा इज नॉट अ कॉमर्शियल एजेंसी सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने यह पहला बायोफ्यूल रॉकेट जो है इसको भेजा है जिसका नाम है स्टार 1.0। वन पॉइंट ओ ऑल राइट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर हिस्ट्री देखो अब हिस्ट्री का कैसे क्वेश्चन डिराइव हुआ ठीक है हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे डिराइव हुआ आपका जो फेब्रवरी है उसमें एनिवर्सरी आती है चौरी चौरा इंसिडेंट की ठीक है तो हमने यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन बना दिया क्वेश्चन स्टैटिक है लेकिन इंस्पायर कहाँ से हुआ है करंट अफेयर इंसिडेंट से ठीक है क्योंकि पी वगैरह में न्यूजपेपर वगैरह में फिर कवर इसको किया जाता है और सो इनकरेक्ट आपने बताना है और ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है करेक्ट इनकरेक्ट का तो स्टेटमेंट वन कहता है कि ड्यूरिंग द इंसिडेंट अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्लैश विद पुलिस हु ओपन फायर तो प्रोटेस्टर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पुलिस के साथ लफड़ा हो गया था पुलिस ने फायर जो है क्राउड के ऊपर कर दिया था तो क्राउड ने उनको फिर जो है काउंटर अटैक किया ऑप्शन टू क्या कहता है इट टुकस प्लेस इट टुक प्लेस इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया पंजाब में हुआ था जहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने ब्रिटिश पुलिस के घरों में आग लगा दी थी ब्रिटिश बि पुलिस के घरों में आग लगा दी थी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या नीदर अगर पढ़ा है चौरी चौरा के इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा भी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ठीक है देखो अब पहला जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर नहीं हुआ था यहाँ पर क्या होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ओके okay, क्योंकि ये नॉर्मल कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पर आपके जो है आ, हुआ था चौरी चौरा वाला इंसिडेंट तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है पंजाब प्रोविंस वाला क्योंकि ये ये पंजाब प्रोविंस प्रोविंस नहीं था ये यूपी का आता था ठीक है so, सो दूसरा स्टेटमेंट भी इसी वजह से आपका गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट आपसे पूछा गया सो आंसर विल बी ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पर होगा बोथ होगा ये डी नहीं होगा यहाँ पर आंसर सी होगा ठीक है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है so ऑल right, देखो अब फिर से मैं मैंने शायद जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया उस समय पे मैंने क्या किया मैंने इनकरेक्ट वाला ऊपर लिख तो दिया पर बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है तो मैंने करेक्ट के हिसाब से डी कर दिया इसका आंसर ठीक है यही मेरे से गलती हुई है और यही आपसे भी एग्जाम में गलती होती है इसीलिए मैं कहता हूं करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इनकरेक्ट पूछा गया तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं तो आंसर सी होगा डी नहीं होगा ऑल राइट चलो एक बार आंसर देख लेते हैं इसका सो चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस की जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश है आपका सो पंजाब वाला वहां पर गलत हो गया चार फेबर उन्नीस को ये इंसिडेंट हुआ था इस इंसिडेंट में हुआ क्या प्रोटेस्टर्स वहां से मार्च कर रहे थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे विच वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट गांधी जी ने स्ट्रिक्टली कहा था कि भाई किसी भी तरह की वॉयलेंस नहीं होनी चाहिए अल्टीमेटली वहाँ की पुलिस ने पहले लोगों को छेड़ा एंड फिर लोग भी गुस्सा हो गए सो अल्टीमेटली लोगों ने उस थाने को ही आग लगा दी ठीक है और इसकी वजह से जो पुलिस स्टेशन में लोग थे उनकी डेथ हो गई एंड अल्टीमेटली महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ये वॉयलेंस मुझे बर्दाश्त नहीं है मैंने कहा था कि ये नॉन वॉयलेंट मूवमेंट होना चाहिए अल्टीमेटली महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया 12 फरवरी 1922 को ये भी कई फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी डेट को महात्मा uh, गांधी ने मूवमेंट को सस्पेंड किया तो आप कह सकते हो ट्वेल्थ फेबर नाइनटीन को महात्मा गांधी ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया ओके okay? चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट पंडित भीमसेन जोशी वॉज अवारेड भारत रत्न इन टू थाउजेंड एट पंडित भीमसेन जोशी को दो हजार आठ में भारत रत्न दिया गया ऑप्शन टू कहता है पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग टू द स्कूल ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अब वन सेगेंड आपका हो गया कि सर ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है उसमें तो ये तो आप कल्चर की तरफ चले गए तो वन सेगे दिस इज अ करंट अफेयर डिराइव क्वेश्चन ठीक है तो ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड इज नीदर वन नर टू आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर यहां पर आपका क्या होगा एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहले सो so, प्राइम मिनिस्टर पंडित भीमसेन जोशी को इन्होंने होमेज प्रोवाइड की थी तो पीआईबी वगैरह में ट्वीट करते हैं जब प्रधानमंत्री तो वो पीआईबी में कवर हो जाता है ठीक है और इसी वजह से वो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक को ये बिलोंग करते थे और इनकी हंड्रेड्स बर्थ एनिवर्सरी थी ये ठीक है फोर्थ फेब्रवरी को इनका जन्म हुआ था उन्नीस के अंदर और भारत रत्न इन्हें दो में मिला था तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट वहाँ पर करेक्ट है एंड ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज फेमस रागाज़ जैसे इन्होंने सुधा कल्याण मियान की तोड़ी पूरिया धनसरी मुल्तानी ये सब इन्होंने रागाज कंपोज किए थे किराना घराना को ये बिलोंग करते थे किराना घराना जो है अल्टीमेटली इसको नाम कहाँ से मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है किराना वहां पर इसकी फाउंडेशन हुई थी इसके फाउंडर थे उस्ताद अब्दुल करीम खान और इसी वजह से इसका नाम जो है किराना घराना पड़ गया एंड ही बिलोंग टू द स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इसी वजह से आपका स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट टू में क्या लिखा था कि कर्नाटिक म्यूजिक को बिलोंग करते हैं कर्नाटिक म्यूजिक इज बेसिकली बिलोंगिंग टू द साउथ ओके साउथ इंडिया में वहां पर उसका रेफरेंस आता है और नॉर्थ इंडिया में हम रिलेट करते हैं हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक से एंड ही वॉज बिलोंगिंग टू अ घिराना फ्रॉम उत्तर प्रदेश सो इसी वजह से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यहां पर आंसर हो जाएगा सो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका एन दैट इज वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है सो विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च टू स्कीम्स और वो दो स्कीम्स हैं सबसे पहले आ जाती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्कीम एंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम ये दो स्कीम्स हैं और बेसिकली इन स्कीम्स में होगा क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्टार्टअप्स को ताकि वो अपने पेटेंट फाइल वगैरह कर सकें इजीली और राइट सो स्टेट आपको बताना है ऑप्शन ए गुजरात बी पंजाब सी कर्नाटका और डी महाराष्ट्र वन सके इट्स अ वेरी फैक्चुअल एंड अ सिंपल क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ है तो फिर तो ईजिल ये सॉल्व हो जाता है देखो मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि करंट अफेयर्स में आई विल बी फॉलोइंग द मिक्सड अप्रोच हम फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी लेंगे डायरेक्ट ए बी सी डी वाले क्वेश्चंस को भी लेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी लेंगे ताकि आपकी कवरेज जो है वो एज वाइड एज पॉसि हो सके so सो आंसर में क्या होगा आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ये दो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और एम क्या है ताकि स्टार्टअप्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके फॉर फाइलिंग आई टी ओके सिक्स क्वेश्चन वंस अगेन विच वॉज नेम्ड दस द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी बाई ऑक्सफर्ड लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों निकाले जाते हैं ठीक है हर साल के लिए निकाले जाते हैं दो तीन ऑर्गनाइजेशन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो वर्ड्स निकालती हैं उनमें से आपकी एक तो ऑक्सफर्ड आ जाती है एक मैरियम डिक्शनरी करके होती है वो आ जाती है तो इनके देख लेना ठीक है ऑक्सफोर्ड का हिंदी वाला मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इंग्लिश वाला अपने होमवर्क में चेक करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है सिमिलरली मैरियम वाले का भी बताना है ओके सो so, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका कौन सा वर्ड है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर सी आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता इज द हिंदी ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ लेते हैं हिंदी के प्रति वैसे ही यूपीएससी का आजकल प्यार जो है वो काफी बढ़ गया है ठीक है सेवेंथ क्वेश्चन देखो सेवंथ क्वेश्चन इज क्वेश्चन दैट रिलेट्स टू द एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ठीक है सोशल सिक्योरिटी का पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इंप्लीमेंटेड इन ओनली देखो ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक होता है जब भी क्वेश्चन आता है आपका जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो ये ओनली वर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये ओनली वर्ड का आंसर सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई की हुई हो ठीक है सो इट इज बिंग इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट टू कहता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर थ्री पॉइंट वन जो यूनाइटेड नेशन ने सेट किया है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मैंने आपको पहले भी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपको अभी याद होने चाहिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सत्रह गोल्स हैं उनकी मेन हेडिंग्स एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए सब गोल्स याद ना भी हो तब भी चलेगा क्योंकि अगर आपको मेन गोल याद है तो आप सब गोल का आइडिया वहाँ से निकाल सकते हो ईजीली ठीक है कि इसके बारे में बात हुई है या नहीं हुई है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना डेफिनेटली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ मदर्स है और ऑल राइट प्रेग्नेट वुमेंस के लिए स्कीम है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एंड द आंसर हेयर विल बी योर ऑप्शन बी सिर्फ आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और फर्स्ट स्टेटमेंट ना करेक्ट होने का रीजन ही ये ओनली वर्ड है क्योंकि ये जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये पूरे इंडिया में लगाई जा रही है सिर्फ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं किया जा रहा है इसको ठीक है सो so, न्यूज़ uh, में क्यों था क्योंकि गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसने 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन uh, को फाइनेंशियल ईयर 2020 तक सपोर्ट प्रोवाइड किया है न्यूज़ में कवर था आपके पीआईबी में भी आया था और हिंदू में भी आया था इसीलिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है स्कीम को जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में लागू करा जा रहा है ना कि सिर्फ मोस्ट बैकवर्ड या एसपैरिशनल डिस्ट्रिक्ट वाले उसमें स्कीम इफेक्ट में आई थी फर्स्ट जनवरी 2017 से ये भी आइडिया होना चाहिए कई बार वो ईयर वगैरह में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए ओके okay? और जो स्कीम है ये जो 3.1 टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिसका एम क्या है कि ग्लोबल मेटरल मोर्टेलिटी रेशियो को कम किया जा सके और टारगेट क्या सेट किया गया है कि लेस देन सेवेंटी पर लाइव पर वन लाख लाइव बर्थ इसको लेकर के जाना है और इसी वजह से आपका स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट हो जाता है ऑलराइट right, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है आज ही आज आ, या कल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी हम एक वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बनाते हैं आपके लिए ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट में ही रखेंगे ठीक है तो एक वीडियो मैं आपके लिए एक दो दिन में बना करके वो डाल दूंगा उसमें कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको कवर करनी है देन नेक्स्ट इज योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऊपर देखते हैं तो टारगेट बेनिफिशरीज इसमें कौन आ जाएंगी सारी आपकी जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं दे विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम लेकिन एक्सक्लूड किसको किया जाएगा एक्सक्लूड उनको किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट uh, या स्टेट गवर्नमेंट या पी में जिनकी नौकरी लगी हुई है ठीक है या फिर वो लोग जिनको जो बेनिफिट्स आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑफर कर रही है अगर वैसी बेनिफिट्स कोई और स्कीम ऑफर कर रही है और उन लोगों को वो बेनिफिट उस स्कीम के अंडर मिल रहा है तो दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के इम्प्लॉइज हैं वो तो डेफिनेटली इसमें कवर नहीं होंगे ठीक है so, सो बाकी के जो भी बच्चे हैं ऑल आर एलिजिबल ओके एंड जो कट ऑफ डेट है इसकी क्या है वो है फर्स्ट जनवरी 2017 ठीक है सो फर्स्ट जनवरी 2017 के बाद जो भी प्रेगनेंसीज वगैरह वो, वो स्कीम के अंडर कवर्ड हैं एंड इट इज़ कवर्ड फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली ऑल राइट देन बेनिफिट्स क्या होंगे कैश बेनिफिट 5000 का प्रोवाइड किया जाएगा तीन इंस्टॉलमेंट्स में कंडीशंस फुलफिल क्या करनी पड़ेंगी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको प्रेगनेंसी की एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर ठीक है रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन ऑल राइट सो ये स्टेजेस हैं जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट uh, आपके मिलेंगे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन कंज्यूमर वेलफेयर फंड ये भी न्यूज में था ऑल राइट सो इसको सेट कप किया गया था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट टू के अंदर इसे सेट किया गया फंड को ऑपरेट कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है ऑप्शंस आपके ये रहे हैं. ठीक है जी तो सेंट्रल वेलफेयर फंड इकोनॉमी का पार्ट आ गया इकोनॉमी का एक्सपेक्ट यहां पर आ जाता है आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली ठीक है चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं ठीक है जी सो ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सेशन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट कंज्यूमर वेलफेयर फंड बेसिकली होता क्या है जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना तो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं ऑपोजिशन वगैरह वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो मिनिस्टर उसका आंसर देता है तो जब मिनिस्टर आंसर देता है ना तब हमारे पास इस तरह की चीजें जो है न्यूज में बनकर के आ जाती हैं ठीक है थीके? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट टू के अंडर इसको बनाया गया एंड फंड को सेट किसने किया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लेकिन ऑपरेट कौन करता है ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तो बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने लेकिन ऑपरेट कौन करेगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसीलिए मेरा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत आ जाता है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे प्रमोट किया जाए प्रोटेक्ट किया जाए कंज्यूमर्स का वेलफेयर इससे ज्यादा डिटेल में आपको इस फंड से रिलेटेड जाने की जरूरत नहीं है नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन इंडिया अ नॉन रेजिडेंट इंडियन टू बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर दंपनीज इन कॉरपोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसको रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन में अगर फॉलो करना है तो उसको कितने दिन तक इंडिया में रहना पड़ेगा एज पर दीज अमेंडमेंट रूल्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स डेज नाइन्टी डेज हंड्रेड डेज और वन ट्वेंटी डेज ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन सो द लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड द आंसर विल बी ऑप्शन डी वन ट्वेंटी डेज ठीक है पहले वन एट्टी होता था अब इसको कम करके वन ट्वेंटी कर दिया गया और राइट सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये कंपनी इन रूल्स टू थाउजेंड फोर्टीन को अमेंड किया है इसमें कुछ इन्होंने चेंजेस लेकर के आए हैं ठीक है जैसे वन पर्सन कंपनी की जो वन पर्सन कंपनी होती है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको चेंज किया है और राइट एंड ये जो चेंजेस हैं ये क्या क्या अलाउ करते हैं सबसे पहले तो जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसको अलाउ करते हैं कि वो वन पर्सन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर सके पहले नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ये अलाउड नहीं था कि वो वन पर्सन कंपनी आकर के इंडिया में बना सकें दूसरा जो रेजिडेंसी पीरियड है पहले वन डेज़ होता था रेजिडेंट होने के लिए इंडिया में अब उसको वन डेज़ कर दिया गया है तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बनता है Now, the last question of this particular lecture Maritime Union of India urged the Ministry of Shipping to take note of. ट्यून डिक्लेरेशन वाइल प्रिपेरिंग द मेरी टाइम इंडिया विजन ट्वेंटी थर्टी तो सरकार जो है एक मेरी टाइम इंडिया विजन ट्वेंटी थर्टी बनाने के प्रोसेस में है तो जो मेरी टाइम यूनियन है इंडिया का उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को कहा कि आप ये नेपट्टून डिक्लेरेशन के पॉइंट्स भी उसमें ज़रूर देखें इनकॉर्पोट करें सो नेपट्ट्यून डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू वॉट ऑप्शन ए से इस कि भाई सर्विस टैक्स कम कर दो ऑप्शन बी कहता है कि कैसे ऑयल स्पिल्स को एलिमिनेट किया जाए ऑप्शन सी कहता है कि फिशिंग अप्रोचेज गाइडेड फिशिंग अप्रोचेज के बारे में बात करता है और ऑप्शन डी बात करता है वेलफेयर ऑफ सी फायर के बारे में ठीक है तो इसके अंदर आंसर आपका क्या हो जाएगा नैप्टून डिक्लेरेशन फैक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है तो ज्यादा डिक्लेरेशन की डिटेल में नहीं जाना अपने को बस पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है तो ये रिलेटेड है आपके वेलफेयर ऑफ सी फायरर्स से रिलेटेड जो सी में जो शिप्स वगैरह में ट्रैवल करते हैं बेसिकली इंप्लॉय उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर बात हो रही है ऑल सो द आंसर विल बी डी ओके ऑल सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइज आई होप यू इंजॉयड इट रिविजन हुआ और जो चीज़ें मिस हो गई थी पढ़ते हुए करंट अफेयर्स वो भी थोड़ी बहुत आपकी समझ आ गई होंगी क्वेश्चन के फॉर्म में आप याद भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो और राइट सो आई बी एंडिंग दिस लेक्चर वो हेयर एंड प्लीज शेयर द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय